हे गाइस, जैसा कि आपने इंट्रो देखा, इस वीडियो में कैसे काई मास्टर की मदद से इस इंट्रो को क्रिएट कर सकते हैं सीखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि आप जो वीडियोस बनाते हैं उसमें जो इंट्रो होता है वो आपने कैसे बनाया, इसलिए मैं यह ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा स्टेप बाई स्टेप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्टली आपको एक नोटपैड डाउनलोड कर लेना है, MP4 कन्वर्टर भी आपको डाउनलोड कर लेना है और साथ ही साथ काइन मास्टर, इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट। यहाँ पर आपको अपने चैनल या जो भी आप जिसका भी इंट्रो बनाना चाहते हैं उसका टाइटल हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। साथ ही साथ इसका जो स्लोगन है गाइस वो भी आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है ताकि आपको बाद में एडिट करते टाइम आसानी हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने टाइटल और स्लोगन टाइप कर लिया है। सिंपली गाइज इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, वहाँ पे आपको क्लिक करके डायरेक्टली इस वेब पेज पे आ जाना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इस वेब पेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन इन क्लिप मेकर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस एक आई का जो है ऑप्शन या फिर सिंबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई का आइकन, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रीन स्क्रीन। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे एक क्यूब का आइकन देखने को मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको राइट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली यहां पे नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल नीचे आप करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा टेक्स्ट का, आपको इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे 3D टेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। टेक्स्ट जहाँ पर लिखा है यहाँ पर आपको अपना टाइटल टाइप कर लेना है। आपको यहाँ पर आपका टाइटल जो आपने लिखा हुआ था नोटपैड में उसको सिंपली कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नोटपैड पे आ जाते हैं और जो टाइटल हमने लिखा हुआ है उसे सिंपली कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो ब्लैंक टेक्स्ट है यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो गाइस ये पेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजय राज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसे सिंपली पेस्ट कर लें। फिर यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट में नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक टेक्स्ट स्लोगन का ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं तो फिर वही आपको टाइप देखने को मिलेगा स्लोगन, और नीचे आप यहां पर इसका टेक्स्ट जो है जो आपने स्लोगन टाइप किया हुआ था नोटपैड में आपको उसे सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहां पर आना है और यहां पे जो स्लोगन लिखा हुआ है स्लोगन टेक्स्ट उसे डिलीट करके आपको यहाँ पे जो स्लोगन आपने कॉपी किया हुआ है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद गाइस सिंपली आप ऊपर साइड एक प्ले का ऑप्शन या फिर आइकन देख सकते हैं, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करके प्ले करके इसे देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिखाएगा लेकिन कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका जो वीडियो है आपका इंट्रो वो यहाँ पर बनने वाला है। तो गाइज आपने यहाँ पर देखा, फिर यहाँ पर आपको गाइज यहाँ पर नीचे 3 लाइंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर आपको मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको बैलेंस्ड यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन इसमें बैलेंस नहीं रखना है, इस पर सिलेक्ट करके हमको फास्टेस्ट रेंडर पे सिलेक्ट कर लेना है, और फॉर्मेट में .mkv यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको स्टार्ट वीडियो रेंडर पे क्लिक करके इसे आपका जो वीडियो है इसे रेंडरिंग होने देना है।
गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है आपके वीडियो को रेंडरिंग होने तक। तो गाइज मैं इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। गाइज वीडियो को रेंडरिंग करने से पहले टाइटल और स्लोगन जो आपने लिखा हुआ है उसको दोबारा से आप चेक जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे रेंडरिंग होने में वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप यहाँ पर चेक जरूर कर लें। फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा जो वीडियो है रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड योर वीडियो, सिंपली इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर यूजिंग पेंसोइड, योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आपका जो डाउनलोड है स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अपने इस वीडियो को। उसके बाद गाइज MP4 कन्वर्टर को यहाँ पे ओपन कर लेना है और वीडियो कन्वर्टर पे क्लिक करके आपने जो वीडियो को यहाँ पे रेंडरिंग करके डाउनलोड किया है आप देख सकते हैं इसे MP4 में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेट था इसका .mkv था, तो हम .mkv से MP4 में कन्वर्ट करेंगे। फिर गाइज यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट MP4 सेलेक्ट कर लेना एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे प्रीमियम परचेस करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे सिंपली आपको एक छोटा सा ऐड को यहाँ पर देख लेना है और सिंपली इसे क्लोज करके यहाँ पे MKV फाइल को MP4 में सिंपली कन्वर्ट कर ले। यहाँ पर वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके रेशियो सेलेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके बाद मीडिया ब्राउजर पे बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। गाइस इस बैकग्राउंड का जो साइज़ है कम है, तो इसे हम यहाँ पर इनक्रीज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है ब्लैक बैकग्राउंड के, और क्लियर ऑप्शन पे जा करके देन मीडिया पे जा करके आपको यहाँ से जो वीडियो आपने MP4 अभी कन्वर्ट किया हुआ था उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है गाइज, इसका जो ग्रीन वाला है, इसे हम यहाँ से लेफ्ट साइड से ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे ट्रिम करेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम क्लिक करके सिंपली इसे लेफ्ट साइड से ट्रिम कर लेंगे और इसके बाद गाइज इस पर आपको सेलेक्ट करके इसे सिंपली हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ला लेंगे इस वाली लेयर को। इसके बाद गाइज आपको सिंपली इसका स्प्लिट स्क्रीन फुल कर लेना है। गाइज यहाँ पे इसका जो राइट साइड है वहां से भी आपको ट्रिम करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस वीडियो को यहाँ पे जो ये वीडियो है इस लेयर को यहाँ पे राइट साइड से भी हम ट्रिम करेंगे। तो यहाँ से आपको पहले एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे हम राइट साइड से भी ट्रिम कर लेंगे। तो गाइज ये यहाँ पर वीडियो लेयर यहाँ पर ट्रिम हो चुकी है। अब यहाँ पर इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर जो क्रोमा की का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इसे इनेबल कर लेना है और ओके पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो क्रोमा की है वो इनेबल हो चुका है। आप चाहे तो उसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो ब्लैक वाली ये जो लेयर है इसे हम जो बचा हुआ हिस्सा उसे राइट साइड से ट्रिम कर लेंगे। देन आपको फ्रंट पॉइंट पे चले जाना है और यहाँ पर गाइज जो लेयर है वीडियो वाली, इस पर जो साउंड या फिर वॉल्यूम है इसको पूरा कम कर लेना है या फिर इसे ऑफ कर लेना है। वॉल्यूम को ऑफ करने के बाद आपको गाइज यहाँ पर एक म्यूजिक या फिर इंट्रो म्यूजिक ऐड करना है। इसके लिए ऑडियो पे जाना है और जहाँ पर भी आपका म्यूजिक या फिर इंट्रो म्यूजिक है आपको उसको सिंपली इम्पोर्ट कर लेना है। मैं जो इंट्रो म्यूजिक यूज करता हूँ वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, इसे प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने इसका प्रीव्यू देखा। अब इस म्यूजिक पे आपको क्लिक करके जो बचा हुआ म्यूजिक है इसे हम राइट साइड से ट्रिम करके ओके कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको गाइज यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है, ऑडियो पे चले जाना है, देन लास्ट में आपको ऑडियो फेड आउट का ये ऑप्शन डिसेबल देखने को मिलेगा। इसे सिंपली इनेबल करके इसका जो टाइमिंग है 1 सेकेंड हम कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है।
देन आपको यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे चले जाना है और स्टिकर्स पे यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सिनेमेटिक फ्रेम्स में से एक फ्रेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेड वाइट यह फ्रेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है इसे हम इंक्रीज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर लेना है। चाहे तो आप इसका जो फ्रेम है इसे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे प्ले करके, सो गाइस काफ़ी शानदार ये इंट्रो लग रहा है। इसके बाद सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पर रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट सेलेक्ट करके। इसके बाद हम फाइनल इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। You're a superhero.